लोग बनाते रहे और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा। हर बात को दिल पर लगाओ तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। पहले लगा था कि तुम ही दुनिया हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम भी दुनिया ही हो। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान बस फायदा उठाने की कोशिश करता है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। कहते हैं कि झूठी कसमें खाने से कोई ना कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। तलाश है उसे एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कहे कि तुम हंसते बहुत हो। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ होना, देख लेना दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो आपका प्यार नहीं समझ सकते, वह आपका दर्द क्या समझेंगे? किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह आपसे नाराज है या परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, यह जरूरी नहीं कि वह निर्लज्ज है। सच तो यह है कि उसकी जिंदगी में आपका स्थान उसकी इज्जत से भी बढ़कर है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं उस पर नहीं अपने आप पर गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है, लेकिन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों को क्या मुंह लगाना। रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने, जहां गलती भी नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े हमने। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वही से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। अकेले जीना आ ही जाता है जब साथ देने वाला इंसान बदल जाता है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानना वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। कभी उनकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। रिश्ते वो ही अच्छे होते हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। अकेलापन मूर्ख इंसान के लिए कैदखाना होता है और समझदार इंसान के लिए स्वर्ग होता है। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले, आप उसे कभी नहीं जीत सकते। सबसे बुरा तब लगता है जब आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आपको गलत समझा जाता है।
कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वह दिल से पसंद करते हैं। दुख में इंसान को सलाह नहीं सहारा देना चाहिए। कुछ वक्त खामोश होकर भी देख लिया, फिर मालूम हुआ कि लोग सच में भूल जाते हैं। जिंदगी की हकीकत बस इतनी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। सच्चा हमसफर तलाश करने में पूरी जिंदगी गुजर गई। अब समझ आया कि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। जो व्यक्ति थोड़े में भी खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। जुदा भी हो गए तो क्या हुआ, साथ रहकर भी लोग कौन सा साथ रहते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि कोई आकर गले लगा ले तो आंख भर जाती है। बात कड़वी है मगर सच है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। इज्जत बहुत महंगी चीज है साहब, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं वह इंसान अनपढ़ के बराबर है।